नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी चीखती हवेली के कितने राज। सुनते हैं इस कहानी का सातवां भाग। जब कल्पू सोने की ईंट बेचकर अपना बड़ा सा घर बनवा रहा था, तो उसके छत से गिरकर चार आदमी और एक बकरी की मौत हुई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साजिश थी उन आत्माओं की। तीन तो मैंने सपने में देखी थी, जो चारों बच्चों ने छत से धक्का देकर मारा था। मेरे सपने में देखी मौतें ये साबित करती थी कि तीन लोग अपने आप नहीं मरे थे, उन्हें मारा गया था। बाकी बचा एक आदमी और एक बकरी। ये चौथा आदमी भले ही मेरे सपने में न आया हो, पर यह तो तय है कि उसे भी उन चार बच्चों ने ही मारा था। अब बेचारी बकरी कैसे मरी, ये उत्सुकता वाली बात थी। और वो चौथा आदमी कौन था, इन सब सवालों का जवाब बाबा जी ही दे सकते थे। मैंने बाबा जी को ये सब बता दिया। बाबा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे, कुछ गहन विचारों में खोए थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरे सिर पर हाथ रखकर मायूसी से दया की भावना में बोले, बेटा माफ करो, पर सपने और बाकी हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, बाबा जी मुझे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मैं तो खुद ये जानना चाहता हूँ कि ये संजना आखिर मुझे क्यों दिखी और ये सब क्यों शुरू हुआ। सब पता चल जाएगा, ऐसा कुछ तो है जो संजना बताना चाहती है, और तुम्हें क्यों बताना चाहती है ये भी तुम्हें सपने में ही पता चलेगा। बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब कल्पू भी हवेली में था तो सिर्फ वही कैसे बच गया, बाकी सभी लोग अंदर थे। और जो आठ लोग अंदर थे उनमें से सिर्फ छह लोगों की लाशें मिली, क्या बाकी दो लोग बच गए? और जो दो लोग बचे वो कौन थे? बाबा कुछ ना बोले, क्योंकि वर्षों पुरानी कहानी में उनका जाप करके घुस पाना संभव नहीं था। बाबा जी आप मुझे कल्पू के बारे में कुछ और बताओ, मैंने बाबा जी से निवेदन किया, मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ जान भी लेना चाहिए, बाबा ने फिर बताना शुरू करा। कल्पू के पास सोने की ईंट लगी थी, वो कैसे लेकर आया ये बस एक अनुमान था। चुरा कर लाया था या किसी और तरीके से, एक नहायत ही गरीब इंसान ने अचानक एक इतना बड़ा घर बनवा लिया, कुछ खेत और जमीन भी खरीद ली। गांव के लोग भी अचंभित थे इस बात पर। तब कहीं से पता चला कि ये सब चोरी की ईंट से है। यकीन तो तब हुआ जब घर के निर्माण के दौरान पांच लोगों की गिरकर मौत हुई। लोगों का यही मानना था कि बंगाली तंत्र मंत्र का साया है इसके घर। गांव वालों ने उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया था। सबसे अंतिम मौत कल्पू की हुई। मेरे दिमाग की घंटी अब बज चुकी थी। मैंने सोचा शायद कल्पू ने ईंट चुराने के दौरान घर के सभी लोगों को आग में झुलसता छोड़ दिया और गांव भाग आया। मैं बाबा के पास से घर आया। माँ ने बहुत डांटा कि ये सब क्या बखेड़ा है, तो मैंने माँ को समझाया और कहा कि यकीन नहीं तो बाबा जी से पूछ लो, मुझे सपने आ रहे हैं और अभी तक इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर बाबा ने बोला है इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब मेरे अंदर इतनी उत्सुकता हो गई थी कि मैं दोपहर में ही सो गया। वही कॉटेज वाला सड़ा हुआ कमरा, दुर्गंध से नथने फूल रहे थे। ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद से जागकर उठा हूं और उस जगह आ गया जहां मैं कभी आ चुका था। वही खून सनी जमीन, तमाम आकृतियों से रंगी हुई दीवार, छत से लटक रहे नरकंकाल। उस कमरे में दो लोग मौजूद थे, एक सिगार का कश लगाता हुआ वो आदमी और दूसरी संजना। मैं संजना को वापस देखकर चौंक गया। मैं दोनों के बिल्कुल करीब गया। मैं कुछ कहना चाहता था पर अब मुझे समझ में आ गया था कि कोई फायदा नहीं, वो आदमी संजना को समझा रहा था। एक लड़की, ये सोच कि मैंने तुझे खरीद लिया और सिर्फ तुमने जो देखा उसे भूल जाओ,
यही चाहता हूँ। यदि तुम किसी और के हाथ पड़ती तो सोचो अब तक तुम्हारा क्या हाल हुआ होता। क्या होता? मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ या इससे भी भयानक कुछ और? संजना बोली, तुम सभी एक जैसे हो, तुम सारे जानवर हो, हमें अपनी कठपुतली समझकर नचाते रहते हो। मैं बस यही चाहता हूँ, तुम यहीं पड़ी रहो और हमारा साथ दो, नहीं तो तुम्हारे भी घर वालों का वही हाल होगा जो और लोगों के साथ हुआ। मेरा दिमाग ठनका, कौन है ये आदमी? किस बात को छुपाने की बात कर रहा है? किसके साथ क्या हुआ था? मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा पर मैं पहचान न सका, कहीं उसे देखा नहीं था। बस उस दिन बाजार से लेकर यहाँ था और आज यहाँ पर। संजना तड़प रही थी, मैं देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बहुत गौर से देख रहा था मैं संजना को और वो कुर्सी पर बंधी सिर्फ अफसोस कर रही थी, रो रही थी। संजना आखिर बाजार के चंगुल में कैसे आई, ये भी एक मसला था। वो सिगार पीता हुआ आदमी अब वहां से उठ गया और संजना की तरफ देखकर बोला, खबरदार, यदि यहां से भागी या कोई भी चालाकी दिखाई तो। और फिर वो आदमी बाहर निकल गया, मैं भी बिना एक पल गवाए उसके पीछे चल दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और बैठने लगा। जब तक बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद करता, मैं भी तपाक से उसके बगल में बैठ गया। कार सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। सड़कों पर कार कम तांगे ज्यादा थे, हाथ गाड़ी भी थी, पर मैं तो उन रास्तों को देख रहा था जहां पर कार जा रही थी। फिर कार जाकर एक पुलिस थाने के पास जाकर रुकी। वो आदमी कार से बाहर निकलकर थाने के अंदर घुसा, मैं भी पीछे पीछे अंदर गया। जैसे ही वो आदमी पुलिस निरीक्षक को नजर आया, उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करा। आओ आओ गिरीश बाबू, और हाथ मिलाते हुए बोला, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। अच्छा किया आपने, पुलिस निरीक्षक ने उस आदमी के एक कान में धीरे से कहा। वो लड़की तो ठीक है ना? उसकी चिंता मत करो, बस ये बताओ इन दोनों का क्या हाल है, ये तो ठीक है ना? निरीक्षक सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक तो ठीक है, बस हवेली से बचे उन दोनों के बयान को सकारात्मक तरीके से लेना बाकी है। जैसे ही वो दोनों मिल जाते हैं काम बन जाएगा। आप पैसे तैयार रखना। पैसे तो अभी तैयार हैं, वो आदमी जिसका नाम गिरीश था चलाता हुआ बोला। वो भागे कहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, काम होने से पहले सब कुछ निर्धारित था। एक बात याद रखना गिरीश बाबू, यदि वो दोनों नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तक इनके खिलाफ सबूत नहीं है। एक वो दोनों ही हैं जो इसके खिलाफ रामबाण छापे साबित होंगे। आप परेशान ना हो, हमारे आदमी उसकी खोज में है। इतना कहकर गिरीश बाबू उठे और बाहर चल दिए। मेरे पास भी समय नहीं था कि मैं उन दोनों को देखूं जो थाने में हिरासत में थे, या गिरीश बाबू के साथ जाऊं। मुझे तुरंत निर्णय लेना था तो मैंने गिरीश बाबू के साथ जाना ही मुनासिब समझा। सोम बाबू अपने कमरे में थे, उनकी पत्नी सोम बाबू के बालों में तेल लगाकर चंपी कर रही थी। सोम बाबू कल्पू के बारे में ही अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। देखा रोने तो कल्पू ने सिर्फ हमारे लिए कितना कुछ किया, आज यदि अपना कारोबार फल फूल रहा है तो सिर्फ उसी की कृपा से, और वो है कि तनख्वाह के अलावा कुछ और मांगता ही नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक घर बनवा दूँ। जी ठीक कह रहे हैं आप, घर बनवा दीजिए। कल्पू मेरी बात नहीं टालता, मैं उसे मना लूंगी और वो घर उसे उपहार में दे देंगे। अंदर आ जाओ कमला। और कमला जो घर की नौकरानी थी दो गिलास दूध लेकर आई थी। बला की खूबसूरत कमला किसी दक्षिण की अभिनेत्री से कम ना थी। नए नक्श बहुत सुंदर थे, गोरी चिट्टी कमला लटके झटके दिखाते हुए दूध का एक गिलास सोम बाबू और दूसरा रोनिता मैडम को देती हुई खड़ी हो गई। बच्चों को दे दिया क्या? जी मालिक, वो लोग तो सो भी गए,
बढ़िया। सोम बाबू दूध पीते हुए बोले, बहुत धमाल करते हैं सभी, बच्चे ही तो हैं मालिक। खैर मेरे रहते हुए परेशान मत होइए। और फिर कमला खाली गिलास लेकर बाहर निकल गई। कमला ने कमरे से निकलकर बाहर के दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया। फिर वो एक झटके के साथ बच्चों के कमरे के पास गई और उसे भी बाहर से बंद कर दिया। मैं ये सब देख रहा था, मुझे कमला पर गुस्सा आ रहा था, पर मैं देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। कमला भागती हुई नीचे गई और सामने हिसाब करता हुआ कल्पू दिखा। हाँफती हुई कमला बोली, बाबू सब हो गया। कल्पू मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठा और कमला को अपनी बाहों में भर लिया। छी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझसे ये सब देखा ना गया। अरे मेरी कम्मो, यदि तुम ना होती तो क्या ये संभव होता? ये लोग क्या करना चाहते थे, क्या संभव नहीं होता, मैं यही सब सोच रहा था। तुमने सभी के दरवाजे बंद किए हैं ना? हाँ बाबू, कमला बनावटी गुस्से के साथ बोली और कल्पू के साथ एक कमरे में घुस गई जहाँ कमला का पति भी था। सब काम हो गया? हाँ सब हो गया, एक अंतिम काम बाकी है, कमला बोली। ये काम? और एक झटके के साथ कमला अपने पति पर झपट पड़ी। उधर कल्पू ने भी एक पतली सी रस्सी लेकर कमला के पति के गले में फंसा दी। कमला अपने पति के पीठ पर बैठकर उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया और कल्पू अपने मजबूत हाथों से रस्सी की मदद से उसके गले को दबाने लगा। मेरी आंखें फट गईं उस नज़ारे को देखकर। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बाहर थीं, गले से झाग आ चुके थे, नसें फट गई थीं और उसके प्राण पखेरे उड़ गए थे। कमला और कल्पू ने चैन की सांस ली। चल आराम कर, अभी काम करना है मोर। हाँ हाँ बाबू चलती हूँ, कमला बोली। एक बात बताओ, मुझसे धोखा तो नहीं करोगे ना? कल्पू मुस्कुराया और बोला, नहीं कभी नहीं। अब चल, मुझे सोना मिल जाए एक बार। मिल जाएगा, मैंने खुद से देखा है मंदिर में। अरे देखा तो मैंने भी है, कल्पू बोला और दोनों बड़े हॉल में पहुंचे जहां मंदिर था। कल्पू ने धीरे से माता की मूर्ति को ठीक थोड़ा सा खिसकाया और फिर संगमरमर के टुकड़े को हटाया तो नीचे एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें मोती जवाहरात चांदी और सोने के गहने थे और दो सोने की ईंट भी, जिसे देखते ही कल्पू का रोम रोम खिल उठा। कल्पू ने सब निकालना शुरू करा, एक एक करके सभी गहने। संजना? तभी कल्पू की नज़र संजना पर पड़ी। मैं भी उसी दिशा में पलट पड़ा लेकिन मुझे वो नहीं दिखी। कल्पू उस दिशा में भागा जिधर उसे संजना दिखी थी। वो जिस तेजी से भागता हुआ गया था उसी तेजी से भागता हुआ अंदर आया और चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई। वो बोला, ये संजना यहाँ क्या कर रही थी? इसने क्या क्या देखा था? अगर उसने सब देख लिया तो गजब हो जाएगा। कल्पू चिंतित हो गया, मैं भी उत्सुक कि आखिर संजना है कौन, ये कल्पू उसे कैसे जानता है। मैं सोच ही रहा था कि आगे कल्पू कुछ बोला कि मेरी नींद खुल गई। मैं फिर सपने में था। अब बहुत सारे सवाल थे। संजना को कल्पू ने देखा? संजना कौन थी? संजना ने भी कल्पू और कमला को देखा था वो सब कुछ करते हुए। थाने में सिगार वाला आदमी किन दो लोगों की बात कर रहा था? कमला ने सिर्फ धन या कल्पू के प्यार की वजह से अपने पति की हत्या की थी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले भाग का। तब तक के लिए धन्यवाद।